पाकिस्तान यू याद रखना, इमरान खान का साथ कभी मत छोड़ना, पछताओगे। ये अल्लाह ने पाकिस्तान को एक मसीहा दिया है, ऐसा लीडर फिर सदियों बाद भी नहीं मिलता। और मुझे अपने रब पर यकीन है, यही इमरान खान इस डूबी हुई मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएगा। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज, मोहब्बत, रोटी रोजी। हमने हमेशा अपने मुल्क की सर बुलंदी का आवाज बुलंद किया है, हम हमेशा अपने पोज की शाना बशाना खड़ी रही है, हमने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दुनिया को पहुंचाया है। अगर इसके बावजूद भी हम गद्दार हैं, तो हम गद्दार ही ठीक है। अगर इसके बावजूद रियासत हमें दहशतगर्द समझती है, तो हमें इस बात का कोई परवाह नहीं। इस मुल्क में जिसने भी आजादी और इनकलाब का आवाज उठाया है, उसी का ही सर काटा गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक मुहाफिज वतन लीडर कहा गया, वो इस रियासत ने उसके होदारी का क्या इनाम दिया, मार डाला ना उसको। जा फिजा मेरा तो खयाल है तो इमरान खान जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, वो कितना मुश्किल से रहा है इसके बदले। दहशतगर्द मानती है रियासत उसको। इमरान खान का गुनाह ये है कि वो एक मुहाब्बी वतन पाकिस्तानी है। उसका गुनाह ये है कि वो दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर बात करता है। उसका गुनाह ये है कि वो पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना चाहता है। आज रियासत की तमाम गद्दार एक तरफ और इमरान खान दूसरी तरफ है, और रियासत का सारा मशीनरी सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। पाकिस्तान यू याद रखना, इमरान खान का साथ कभी मत छोड़ना, पछताओगे। ये अल्लाह ने पाकिस्तान को एक मसीहा दिया है, ऐसा लीडर फिर सदियों बाद भी नहीं मिलता। और मुझे अपने रब पर यकीन है, यही इमरान खान इस डूबी हुई मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएगा। जुनून से और इश्क से